गारंटी के साथ कहते हैं, इस रेसिपी को आपने पूरे यूट्यूब चैनल में कहीं भी नहीं देखा होगा। इसे आप फिंगर चिप्स कहें, मोटी सेव कहें या फ्रेंच फ्राइज के किसी भी नाम से इसे आप पुकार सकते हैं। इतनी टेस्टी बनने वाली रेसिपी है ना, आप इसे एक बार ट्राई कीजिए। आपके मेहमान हो, बच्चे हो, घर में कोई भी हो, आपकी तारीफ़ करते ना थकेंगे और कहेंगे इसे आपने बनाया कैसे। इतनी टेस्टी बनने वाली रेसिपी आप देख सकते हैं, देखने में कितनी सुंदर लग रही है। यकीन माने जितनी देखने में सुंदर लग रही है ना, उतनी ही खाने में सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है। इसे बनाने का बिल्कुल एक डिफरेंट तरीका, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें चाहे तो ऊपर अपने कुछ भी मसाले डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए क्या किया है, हमने नॉर्मल आलू लिया है। आप कोई से भी आलू ले सकते हैं, पहाड़ी, देसी, जो सा आपके यहाँ मिलता है अवेलेबल हो उसी आलू को ले सकते हैं। इसका हमने क्या करना है, पहले छिलका हमने अच्छी तरह से निकाल देना है, बिल्कुल साफ़ तरीके से निकालेंगे, इसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और इसे अच्छी तरह से हम धो देंगे। हमने सिर्फ तीन ही आलू लिए, आप चाहे तो ज़्यादा का बना सकते हैं, हम तीन आलू का ही बता रहे हैं आपको। हमने इसे धो के किनारे कर दिया है। अब हमने क्या करा है, हमने इसके लिए कोन ले लिया है। कोन ले लिया है मतलब बना लिया है। आप कोई सा भी पॉलीथीन हो आपके पास, नमक की हो, किसी की भी पॉलीथीन हो, उससे बना सकते हैं। ये मेरी बेटी ने बनाया, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, आप देख सकते हैं, इससे हमने ये बनाना है। अब हमने क्या करा है, जो आलू लिया है इसे हम बारीक कद्दूकस से, मोटे कद्दूकस से नहीं, बारीक कद्दूकस से बिल्कुल कद्दूकस कर देंगे। इसे बिल्कुल बारीक करना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बारीक करेंगे। आप चाहे तो इसमें बॉयल आलू भी ले सकते हैं, हमने कद्दूकस करके ही लिया, कच्चा आलू लिया है। बॉयल आलू से थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्टी बनता है। मगर आपके पास बिल्कुल भी बॉयल आलू नहीं हो और आपको झटपट से तैयार करना हो तो आप इसे कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने क्या करा है, इसे कद्दूकस तो कर दिया है हमने, अब हमने क्या करना है, इसमें लेंगे हम बेसन। बेसन हम कितना लेंगे, अपनी क्वांटिटी आलू के हिसाब से दे सकते हैं। आपके आलू में कितना पानी है उतना आप दे सकते हैं, और इसका पानी बिल्कुल भी नहीं निचोड़ेंगे हम, ना ही इसमें पानी ऊपर से ऐड करेंगे। बस हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन डालेंगे, देख लेंगे कि एक बाइंडिंग सी हो जाए इसमें, इतना डालेंगे। हमारे इसमें टोटली 8 से 9 करीबन इसमें बेसन पड़ गया था। आप अपने आलू के हिसाब से देख सकते हैं कितना मॉइस्चर है आपके आलू में। आप इसे थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और मिलाते रहेंगे इस तरह से। आज हम सोच ही रहे थे शाम को चाय के साथ क्या बनाए खाने के लिए, तो दिमाग में अचानक से ख्याल आया कुछ डिफरेंट क्यों ना हो जाए, आज हम कुछ डिफरेंट तरीका बनाते हैं, तो हमने सोचा यही बना देते हैं। तो हमने क्या करा है, इसमें 2 हमने हरी मिर्ची डाल दिए, अपने टेस्ट को नहीं आप मिर्ची कर सकते हैं कम ज़्यादा, और थोड़ा सा हमने धनिया पत्ती डाल दी काट के, आप चाहे तो इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, और 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है नमक, और 1/2 चम्मच से भी कम इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। आप चाहे तो इसमें मसाला भी डाल सकते हैं, कोई सा भी आपको जो पसंद हो डाल सकते हैं। हमने सिंपल तरीके से बनाया है बिल्कुल, आप चाहे तो ऊपर से जब बना देंगे, तैयार कर देंगे ना इसे, तभी भी मसाले ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिल गया है, हमने यहाँ पे रख दिया है कढ़ाई में ऑयल। सबसे पहले हम ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे। अब हमने क्या करा है, इसमें एक मैजिक करना है, तो हमने क्या करा है, इसमें 3 चुटकी हम बेकिंग पाउडर लेंगे इस तरह से, जिससे टेस्ट आएगा और इसमें जो निखर कर इसका टेस्टर आएगा वो लाजवाब है, और एक फुला फुला सा बनेगा, जैसे फ्रेंच फ्राइज होती है ना फुली फुली सी, इस तरह से फुला फुला सा बनेगा, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट, इस तरह से बनने वाला है ये। बस ये हो गया, इसे हम एक तरफ रख देंगे, और इसे हम क्या करेंगे, जो हमने कीप ली थी, नॉक ली थी, बनाई थी हमने, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे यानी। और इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, जल्द से बनकर तैयार हो जाती है। ना घर में मेहमान आ जाए अचानक से, तो उसी समय से फटाफट से आलू लेके उसे कद्दूकस करके आप उसे बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, गारंटी के साथ कह रहे हैं हम। बस इसे लास्ट में फोल्ड कर देंगे, आप देख सकते हैं कितनी पतला है ना ये। अब हमें क्या करना है, इसकी थोड़ा सा कटिंग कर देंगे ताकि हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो नोक चलाने में। हल्की से हमने कटिंग कर दी इसकी, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कर दी, ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बस हल्का ही काटना है हमें, आप देख सकते हैं इस तरह से इसके, जैसे मोटी से फ्रेंच फ्राइज होती है ना उस साइज में बना सकते हैं आसानी से, जिस तरह आपको पसंद हो। हमें थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा काम, तेल हमारा गर्म है, और ध्यान रखना है हमें इसे मीडियम फ्लेम में या फिर लो फ्लेम में ही इसे पकाना है, हाई फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। स्टार्टिंग में तेल गर्म होना चाहिए, मगर हम जब इसे डाल देंगे ना सभी को, तो हमें क्या करना है, फ्लेम हमें इसे मीडियम कर देंगे,
नहीं तो बाहर से काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाएंगे, सिक जाएंगे, अंदर से भी वो कच्चे होंगे। इसलिए हमें ऐसा करना है, इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे या फिर लो फ्लेम में। और आप देख सकते हैं इसमें कितने बबल्स आ रहे हैं ना, जब बबल्स आने बंद हो जाए यानी कि हमारी अच्छे से सिक गई है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, यानी कि हमारी सिक गई, इसका कलर भी चेंज हो गया, अच्छे से अंदर से पक गई है। हमें तभी निकालना है इसे जब बबल्स आने बंद हो जाए। यही प्रोसेस होता है हर चीज़ का, नमकीन बनाने का भी यही होता है, फ्रेंच फ्राइज बनाने का भी यही प्रोसेस होता है। आप इस तरह से देख लेंगे, बारी बारी करके आपको सभी को ऐसे डाल देंगे। जब हमारी कीप खत्म हो जाएगी ना, उसके अंदर का बैटर खत्म हो जाएगा, तो हम दोबारा से उसे फिल करके दोबारा से डाल देंगे। जैसे जैसे आप कीप चलाने लगेंगे, कीप का साइज थोड़ा बड़ा होने लग जाएगा। आप देख सकते हैं हमने तीसरी चौथी बार डाला है तो कितना मोटा हो गया उसका साइज। कोई टेंशन की बात नहीं, इसलिए आपको पहले ही कह रहे हैं ज़्यादा नहीं काटेंगे उसे नोक को, हम थोड़ा स्टार्टिंग में कम ही काटेंगे। चलाते चलाते वो ज़्यादा होने लग जाती है। तो हमारी देख लीजिए टेस्टी सी फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गई है, इतनी टेस्टी लाजवाब बनी है ना। आप इसे फ्रेंच फ्राइज कहे, हमने आपको पहले ही कहा है, आप इसे फिंगर चिप्स कह सकते हैं या मोटी सेब कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मगर हमें तो फ्रेंच फ्राइज की तरह लग रही है। देखने में इतनी क्रिस्पी, आप देख सकते हैं बनकर तैयार हुई है। आप चाहे तो ऊपर से इसमें चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं, कोई भी मसाला जो आपको पसंद हो। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, साथ में हमारी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटे का बटन जरूर दबाइए, जिससे क्या होगा, हमारी वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।